सरकार सरकार ऑफिसर आ गए। वेलकम वेलकम सर हेनरी। वेलकम। हेलो। कमाल कर दिया आपने बलवंत जी। कल तक जिस गांव में स्वराज की बातें होती थी, आज उसी गांव में अंग्रेजी सरकार के लिए मिल बन रही है। गांव की सीमा पर पक्का रास्ता बना है। आपने तो कुछ ही दिनों में शिरडी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इट्स माई ड्यूटी सर। कुलकर्णी, तुम्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। आइए, प्लीज कम इनसाइड। जेंटलमैन प्लीज कम। मिस्टर हेनरी, कुछ दिनों तक आप यही रहिए, यही खाएंगे यही पिएंगे। आप तो हम भूमि पूजन के बाद ही जाएंगे। जी अवश्य, ये भी कोई कहने की बात है। चाय नाश्ता इनके लिए। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ इनके लिए नाश्ता लेकर आओ। जी जी सरकार। साहब, आपके रहने की खान पान की अच्छी तरह से व्यवस्था की है मैंने। मिस्टर हेनरी, मैं आपको मिल का नक्शा दिखाना चाहता हूँ। आइए इस वे प्लीज। ये आटा गाय को दिया खाने? तो तुझे क्या लगा? क्या लगा तुझे तेरे हाथ से पीसा हुआ आटा हम खाएंगे? और सुन, आगे भी तैयार रहना, ऐसे और काम करने हैं तुझे। बलवंत जी। भैया मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में। बलवंत जी, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस भूमि पूजन से पहले हम शिरडी वासी आपका सम्मान करना चाहते। हम गांव वाले आपके लिए एक तोहफा भी लेकर आए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आपके कारण हमें हमारे पैसे मिले, ये मील बन रही है, हम इतना तो कर ही सकते हैं आपका आभार प्रकट करने के लिए। नहीं नहीं, मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया कर्तव्य निभा रहा हूं। आप सबकी खुशी में ही मेरा सम्मान है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब आप सब इतने प्यार से कह रहे हैं तो मैं सर, इफ यू डोंट माइंड। या आई डोंट माइंड, गो अहेड। हमारे किसी भी ऑफिसर का सम्मान ब्रिटिश गवर्नमेंट का सम्मान है। थैंक यू वेरी मच सर।
बलवन जी की, 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 बलवन जी की। धन्यवाद शिरडी वासियों, मैं बहुत खुश हूँ, अभिभूत हूँ कि आपने मेरे एक छोटे से प्रयास को इतना सराहा है। वेल, क्या आपने इस मिल का नाम डिसाइड किया? सर, नहीं रखा है अभी तक। बलवन जी, क्यों ना इस मिल का नाम साई के नाम पर रखा जाए? साई जी हम सबके गुरु है, इस गांव के लिए भगवान का अवतरण है साई। और हम सब भी सहमत है बलवन जी, हम सब गांव वालों का मानना है कि आप तो जरिया है, लेकिन शिरडी की प्रगति जो है वो साई के आशीर्वाद से ही हुई है। क्यों नहीं, अगर इन गांव वालों के लिए साई इतने इंपॉर्टेंट है तो हम इस मिल का नाम साई के नाम पर रखकर ये संदेश देना चाहते हैं कि इन गांव वालों की फीलिंग्स और इमोशंस का हम सम्मान करते हैं। इससे इनके मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और ट्रस्ट बढ़ेगा। आई एक्सेप्ट द प्रपोजल बल जी। जी सर, जैसा आप कहें। बलवान जी की, बलवान जी की, बलवान जी की, बलवान जी की, बलवान जी की। पहली बार फकीर किसी काम आया है। कामचोर कही की किससे पूछ के आराम फरमा रही है? वो मेहमान चले गए ना, तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती। तुझे क्या लगा मैं तुझसे काम मेहमानों की वजह से करा रही थी? इतनी भी भोली मत बन, मैं तुझसे काम तेरी औकात दिखाने के लिए करा रही थी। खुद को एक पल के लिए भी यहाँ की बहू मत समझना, क्योंकि यहाँ तेरी औकात नौकरों से भी कम है, और यहाँ मेरी आज्ञा के बिना तेरा आराम भी हराम है। चल कोयला तोड़। लेकिन मेरे हाथों में छाले पड़ गए, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ फिर तोड़ दूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो क्या लगा यहां तेरी जख्म पर मलहम लगाया जाएगा? कोई नहीं यहां तेरी मदद करने वाला। लोग जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, मैं तेरी जख्मों पे मिर्च छिड़कूंगी। रुक जाओ तेजस्वी। तुम जो कर रही हो वो पाप है, और हर पाप कर्म का फल इंसान को भुगतना पड़ता है। बकवास बंद कर फकीर, मैं तेरी बातों से नहीं डरती हूं। नहीं, नहीं, नहीं,
तेरा ही काला जादू था ना? मैंने चेतावनी दी थी तेजस्वी, तुमने सुना नहीं, लेकिन सत्य स्वीकार करें या ना करें, सत्य सत्य ही रहता है। पाप का फल सबको भुगतना पड़ता है और इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। ईश्वर की लीला देखो तेजस्वी, मुंह पे लगी मिर्च धोने के लिए तुम्हें आज उसी सांवरी के हाथ से पानी लेना पड़ा जिसके हाथ में छाले देकर तुम मिर्च लगाना चाहती थी। जिसके हाथ का छुआ तुम्हें कभी स्वीकार नहीं होता है, लेकिन अपने को कष्ट से बचाने के लिए आज तुमने वो भी कर लिया। यही तुम्हारे लिए सबक है। तुमने मेरा धन भ्रष्ट कर दिया, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी, और ऐसा बदला लूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। जी भला कर, मेरे हाथ के छाले ठीक हो गए। ओम साई राम। आज जो भी हुआ, लेकिन एक बात की खुशी है, हमने सभी गरीबों में अनाज बांट दिया। लेकिन पूजा में इतना सब हो गया, उसके बाद भी बलवंत जी ने हमें बाकी अनाज घर घर जाकर बांटने को कहा। कितने नेक इंसान है वो। सच में नेक तो है वो। बेवा, कुछ सुनाई दिया? कुछ आवाज तो आई। कौन है वहाँ? कौन है? ये क्या हो रहा है? बंदर है क्या? नहीं, बंदर तो नहीं लगते हैं, कोई आदमी है शायद। आदमी? अरे कौन हो तुम? क्या लगता है भिवा, किसने किया होगा हमला? मुझे लग रहा है जिसने मुझ पर हमला किया वो नई बस्ती का रहने वाला था, क्योंकि हमला नई बस्ती के पास ही हुआ है। भिवा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जरूरी नहीं कि जिसने हमला किया हो वो नई बस्ती का ही हो। इन भोले भाले गांव वालों को बहकाना बंद कर फकीर। हमें पता चल गया है कि भीवा पर और चंदू पर आक्रमण करने वाला नए बस्ती का कोई है।
कोई करनी सरकार, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो उंगरिया ही था? क्या सबूत है आपके पास? वो सबसे अलग है, इसका ये मतलब नहीं कि आरोप उंगरिया पर ही लगाया जाए। वो लड़का गांव में नया है, बाहर से आया है, जाने कहां कहां से आकर लोग शिरडी में फंस गए हैं। क्या तुम लोग दावे से कह सकते हो कि वो सब सज्जन हैं? लेकिन कुलकर्णी सरकार, इस गांव में कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो दूसरों का शोषण करते हैं, उनका बुरा चाहते हैं। क्या उनकी वजह से हम पूरे गांव को गलत मान ले, वो भी बिना किसी सबूत के? चलिए देर हो रही है। बांधो मत। बेटा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, दिख नहीं रहा है, बांध रहा हूँ इसे। अरे पर बांध क्यों रहे हैं? क्यों ना बांधो इसे? अगर हम इसे काम पर लेकर जाएंगे तो एक दिन में हमें नौकरी से निकलवा देगा, और अगर यहाँ इसे खुला छोड़कर चले जाएंगे तो बस्ती से भी हमें निकलवा देगा ये। अब हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, इसे यहीं पर रखना होगा। बांधो मत, बांधो ना, बांधो। वरना मुंह भी बांध कर रख दूंगा तेरा। गौरी, चलो काम पे। पर मजदूर बढ़ाओ, जितना चाहे पैसा लगा लो, लेकिन काम तेजी से होना चाहिए और इसमें गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी सर। जी सर। सरकार, अगर इसी प्रकार काम चलता रहा तो समय से पहले ही मिल तैयार हो जाएगी। गांव में हर गली नुक्कड़ पे बलवन जी की वाह वाह हो रही है। हरिओम हरिओम, जल्दी ही उसके नाम पे सब थू थू करेंगे। क्यों नहीं सरकार, आपकी ये बुरी नजर जिस किसी को भी लगी उसका तो बर्बाद होना तय हुआ ही है।
अरे भगवान के आभूषण चुरा ले गया वो। अरे पकड़ो चोर, 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 ए, चोर, रुक, पकड़ो, चोर, ताते रुको। विवा, क्या हुआ पाटिल जी? चोर था, हमारे घर में भगवान के आभूषण चोरी करके भागा। कहाँ गया? उतर गया। चलिए, चलो, चलो। किस तरफ गया वो? वो उस घर की तरफ गया वो उधर। आओ आगे देखते हैं। नहीं रुको ताते, अभी अंधेरे में बस्ती में जाना ठीक नहीं होगा, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, हम उसे बाद में देखते हैं, अभी चलो यहाँ से, चलो। कुछ पता चला कौन था वो? शुक्र है बाजी को कुछ नहीं हुआ, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता था। मंदिर से भगवान के आभूषण कौन चुराता है? कौन इतनी विकृत मानसिकता का हो सकता है? उंद्रिया वही है जो ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है? लेकिन इस बार तो हम सबने देखा है उसे नई बस्ती की तरफ भागते हुए, उंद्रिया के घर की तरफ जाते हुए। वहां पर वो वैसे ही भाग रहा था जैसे उंद्रिया भागता है, देखा था ना भूमि पूजन में, ऐसे ही भाग रहा था। साई ने कहा था कि कई बार हमारी आंखें धोखा भी खा सकती है, इसलिए जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो उंद्रिया ही है, हम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आज केवल आभूषण चोरी हुए हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही भोले बनकर रह गए तो और भी बुरा हो सकता है तुम लोगों के साथ। कुलकर्णी सरकार, आपको कैसे पता यहाँ क्या हुआ है? शिरडी में कुछ हो और मुझे पता न चले, ये कैसे संभव है अप्पा जी? आज तात्या के मासूम बच्चे पर हमला हुआ है, कल किसी और बच्चे पर हो सकता है। मैं नहीं मानती। साई ने कहा है उसे उंद्रिया पर पूरा भरोसा है। साई ने ये भी कहा है कि नई बस्ती वाले लोगों के साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। देखो बचने का एक ही विकल्प है, नए बस्ती वालों को मार मार के यहां से भगा दो। सरकार ठीक कह रहे हैं, उनको यहां से भगाना ही होगा, उनके यहां रहते कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब आनंद आएगा, जब गांव में श्रमिक ही नहीं होंगे तो बलवन की मील कैसे बनेगी, साथ ही उस फकीर की भी पराजय होगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। ये आप क्या कर रहे हैं? इसने कल रात गांव के एक घर से चोरी की है, एक बच्चे पर हमला भी किया, ये इस गांव में नहीं रहेगा। केवल उंद्रिया ही नहीं, शिरडी की भविष्य के लिए, शिरडी की सुरक्षा के लिए इन सारे नए बस्ती वालों को यहां से निकालना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सरकार? गलती तो उंद्रिया ने किया है, उसकी सजा आप हम लोगों क्यों दे रहे हैं? बात तो सही है सरकार, गलती उंद्रिया की है तो इसे अकेले कोई भगाना चाहिए ना। नहीं सरकार, उंद्रिया चोर नहीं है, ऐसे रात को किसी के घर पे घुसना और किसी पर हमला करना ये इसके बस की बात है ही नहीं। सरकार जरूर कोई गलतफहमी हुई है सरकार, अगर आप हमें यहाँ से निकलवा देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे सरकार। चुप! अरे इनके बहाने सुनने नहीं आए हैं हम, देख क्या रहे हो, इनके झोपड़े तोड़ दो, अगर कोई बीच में आए तो जला देना इनके झोपड़े। नहीं नहीं, अरे देखो कितना दुष्ट है, उग्र भी है, जाल काट डाला इसने,
ये क्या रहे हो? इतना मारो कि दोबारा ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। जाओ। पूरे लेते हो और कमजोर लाठियां लाते हो? कमजोर लाठियां नहीं कुलकर्णी सरकार, आपकी दलील है। जिसके आधार पर आप उंदरिया और इन बस्ती वालों पर आरोप लगा रहे हैं। सही? क्या तुम में से किसी ने उस आदमी को उंदरिया के घर में घुसते हुए देखा? लेकिन इतनी रात को केवल उंदरिया ही घर के बाहर था। इस गांव का मुखिया हूं मैं, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इन्हें बताओ उंदरिया, ये तुम पर आरोप लगा रहे हैं, कल रात किसके साथ थे तुम? साई के पास। शाबाश उंदरिया, कल जब हमला हुआ तब रात के पहले प्रहर से दूसरे प्रहर तक उंदरिया मेरे साथ द्वारका माई में था। ये अपनी आई के लिए एक पंखा बना रहा था और मैं इसे सिखा रहा था। देर रात मैं खुद यहां आया था इसे छोड़ने। हाँ, ये सच है, साई ही इसे छोड़ने आए थे यहाँ पर, और आज सुबह भी ये साई के पास ही गया था जहाँ से उसने ये पंखा मुझे पूरा बना के दिया। अगर उंदरिया हमले के वक्त मेरे साथ था तो हमलावर कोई और होगा, है ना? अरे, इस फकीर ने सदैव चोर चक्कों को बचाया ही है। नहीं, हमें साई पर पूरा भरोसा है, अपने से ज्यादा हमें इन पर भरोसा है। हाँ, अगर साई कह रहे हैं तो यही सच है, चोर कोई दूसरा होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.